डिवाइन कंप्यूटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका डिजिटल ट्रेनर दिनेश और आज हम अपने कंप्यूटर में फोल्डर बनाना देखेंगे। जब भी हम कंप्यूटर में किसी भी फाइल को कहीं पे भी स्टोर करते हैं तो उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी सहायता से हम किसी फाइल को बनाते हैं, पर फाइलों को रखने के लिए हम फोल्डर्स का उपयोग करते हैं। फोल्डर का मतलब है एक बॉक्स जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के सामान रख सकते हैं। अब जब भी हम कोई सा फोल्डर बनाते हैं तो अपना कंप्यूटर स्पेशल मेमोरी नहीं लेता है, मतलब अलग से कोई भी मेमोरी नहीं लेता है, वो जीरो मेमोरी में बन जाता है। बट अगर हम उसके अंदर कोई सी फाइल रखते हैं तो उसकी साइज बढ़ जाती है। फाइलों के आधार पर ही फोल्डर की साइज होती है। जैसे अगर हम अपने कंप्यूटर में फोल्डर बनाना चाहते हैं तो फोल्डर बनाना बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले जहाँ पे भी आपको फोल्डर बनाना है वहाँ पे आप अपने माउस को ले जाएं और उसके बाद फिर आपको राइट क्लिक करना है। जैसे हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन हो जाती है। इसमें अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। इसमें यहाँ बॉटम साइड में आपको न्यू वाला सेक्शन दिखता है और इसमें से आपको जो ऊपरी ऊपर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बता रहा वो फोल्डर, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही हम फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक सिंपल सा फोल्डर बन जाता है जिसका नाम होता है न्यू फोल्डर। अब मान लो हमें इसका नेम चेंज करना है तो हम अपने कीबोर्ड के बैक स्पेस बटन से इस नेम को हटा देते हैं और अपनी इच्छा अनुसार जो भी नेम रखना चाहते हैं वो टाइप करते हैं। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे माई फाइल नाम से इस फोल्डर का नाम रखना है तो मैंने यहाँ पे माई फाइल लिख दिया है। और इसके बाद जब आप उसको रीनेम कर देते हैं, नाम लिख देते हैं, फिर आपको एंटर दबाना है कीबोर्ड से। अब जैसे आप कीबोर्ड से एंटर दबाते हो तो अपना फोल्डर तैयार हो जाता है और ये यहाँ पे ऐसे दिखा भी रहा है कि ये अपना फोल्डर रेडी हो गया। अगर हम अपने फोल्डर को यहाँ से कहीं पर भी रखना चाहते हैं तो माउस के क्लिक से आपको उसको दबा के रखना है थोड़ी देर और फिर आप उसको उठा के पास में कहीं पर भी रख सकते हो और ये अपना फोल्डर रेडी हो गया है। अगर हम इसको ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए इसके ऊपर जाके हम डबल क्लिक करेंगे। माउस से अगर आप डबल क्लिक करते हो तो अपना फोल्डर खुल जाता है। जैसे भी वो दिखा रहा है बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला। यहाँ पे शो भी कर रहा है वो दिस फोल्डर इज एम्प्टी। अब अगर हमें फोल्डर से बाहर जाना है तो उसके लिए यहाँ पे ये क्लोज बटन है जिसकी सहायता से हम बाहर जा सकते हैं। यदि हम अपने फोल्डर का नेम चेंज करना चाहते हैं राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने से क्या होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें यहाँ पे रीनेम वाला जो सेक्शन होता है इस पर आपको क्लिक करना है और फिर हम यहाँ पे जो भी फाइल का नाम रखना चाहते हैं, जो भी अपने फोल्डर का नाम रखना चाहते हैं वो बदल देते हैं। जैसे कि मान लो मुझे इसका नाम डेटा रखना है तो मैंने यहाँ पे लिखा डेटा और फिर एंटर दबाया जिससे अपना फोल्डर तैयार हो जाता है और उसका नेम भी चेंज हो जाता है। आई होप आपको ये पसंद आए और थैंक यू सो मच।